अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नवाबों की पसंद ईद और दावतों के लिए स्पेशल सुपर टेस्टी रेसिपी मटन पुलाव। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमने आधा किलो मटन लिए है और इसे हमें मैरिनेट करना है 1 से 2 घंटे के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा वक्त हो तो आप ओवरनाइट भी कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। हम लेंगे पाउडर मसाले। देखिए, ये हमने लिए है 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ये हमने सौंफ का पाउडर लिए हैं और 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून अभी हम लिए हैं ज़ीरा पाउडर। अगर आपके पास सौंफ का पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं। ये भी अब हम इसमें मिक्स कर लेंगे। और अब लेंगे साबुत मसाले। ये हमने 3 तेज़पत्ते लिए हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिए हैं, 1 फूल लिए हैं, 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 4 लौंग लिए हैं और इसमें से हम आधा मिला लेंगे और आधा हम पुलाव भगाने में यूज़ करेंगे। ये जो हम साबुत मसाले मैरिनेशन के टाइम और भगाने के टाइम सालन हो या पुलाव हो मिक्स करते हैं ना, इसका फ्लेवर ही कुछ अलग आता है। तो अब इसमें हम 2 भर के चम्मच दही का डाल देंगे और इसमें 1 नींबू का रस डाल देंगे। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे हम ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक। आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। देखिए, क्योंकि हमें अभी जब हम चावल डालेंगे तभी भी हमें नमक और डालना है। अभी हमने मटन में सिर्फ 1 टीस्पून लिया। चलिए अब हम पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने कुकर रख दिए है और हमें 2 घंटा हो चुका है मैरिनेट करके। अब चलिए हम मटन भी कुकर में डाल देते हैं और इसे 3 से 4 विसिल होने तक पकाएंगे। अब इसे में हम 1/2 गिलास पानी भी डाल देंगे। अगर 4 विसिल में भी मटन गलता नहीं है तो आप 1 से 2 विसिल और लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम कुकर की लीड लगा देंगे और इसे विसिल होने देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकर की विसिल 4 हो चुकी है और हमारा मटन पक चुका है। ये हमने हांडी रख दिए हैं, देखिए, और इसमें हमने 1/2 कप ऑयल रखे है। इसी में हमने बिरिश्ता तल लिए थे। अब इसमें हम 1 टीस्पून घी भी ऐड कर देंगे क्योंकि घी और ऑयल का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब इसमें जो हमने साबुत मसाले बचा लिए थे वो डाल देंगे और इसे 1 से 2 सेकेंड तक सॉटे होने देते हैं। अब 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे क्योंकि हमने मटन में भी पहले 1 टीस्पून डाल चुके हैं। अब हम लेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। देखिए, इस तरीके से हमने चॉप कर लिए हैं। अब इसे भी हम मिला देंगे। इसे हमें टमाटर को गलने तक भूनना है। अब देखिए, हमने 10 से 12 हरी मिर्ची लिए हैं। इस तरीके से हमने इसे दरदरी पीस लिए। आप चाहिए तो ज़्यादा कम कर सकते हैं। अगर आप तेज़ ज़्यादा खाते हैं तो आप और हरी मिर्ची भी शामिल कर सकते हैं और अगर नहीं तो कम भी कर सकते हैं, वो
आप पे डिपेंड करता है आपको तेज़ कितना चाहिए। अब इसे हम भूनने देंगे जब तक हमारा टमाटर गल ना जाए। और जो अब हमने हाफ टी स्पून सौंफ बचा के रखे थे वो भी अब इसमें शामिल कर देंगे। और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून भरकर दही। जब हम दही डालते वक्त हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी गैस की फ्लेम स्लो होनी चाहिए। फास्ट फ्लेम पे कभी भी दही मत डालिएगा। अब इसे हम भूनने देते हैं जब तक हमारा टमाटर दही सब अच्छे से पक ना जाए और ऑयल सरफेस पे ना आ जाए। तब शामिल कर देंगे 1 टीस्पून नमक, 2 बड़े प्याज का ब्रिश्ता लिए थे आधा अभी हम डाल देंगे और आधा हम साइड में रख देंगे। और इसे भी हम अब मिक्स कर लेते हैं। पुलाव बहुत ही मज़े का बनता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट पर भी बताइएगा कि आपको हमारी ये मटन पुलाव की रेसिपी कैसी लगी। टेस्टी रहता है कि जब आप खाएंगे तो आपका हाथ नहीं रुकेगा, ये इतना टेस्टी होता है कि आप कहेंगे वाह क्या पुलाव है। देखिए अब हमारा जो मटन गल चुका है तो हम सिर्फ मटन निकाल के मसाले में शामिल कर देंगे और जो यखनी है उसे हम साइड में रखेंगे। जब हम चावल डालेंगे, चावल से पहले जब हम पानी इसमें डालेंगे ये उसी वक्त हम ये यखनी भी उसी में शामिल कर देंगे। हम इसे मिक्स कर देते हैं और 1 मुट्ठी हरा धनिया भी अब हम इसमें शामिल कर देंगे और इसे मिक्स करेंगे और फिर हम इसे पकने देते हैं जब तक ऑयल सरफेस पे ना आ जाए। तो चलिए अब हम ढक्कन ढक देते हैं और इसको स्लो फ्लेम में भूनने देते हैं। चलिए चेक करते हैं कि हमारा मसाला भून चुका है कि नहीं। देखिए हमारा मसाला तो भून चुका है और माशाल्लाह से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। देखिए ऑयल भी सरफेस पे आ चुका है। इसमें हम पानी शामिल कर देंगे जो हमने पहले से ही पकने के लिए रख दिए थे। देखिए इसमें हमने 1 लीटर पानी डाले हैं। जैसे हमने आधा किलो चावल लिए हैं, आधा किलो मटन लिए और पानी हमने 1 लीटर डाले हैं। और हमने 1/2 आवर पहले चावल को भिगो के रख दिए थे और अब इसमें हम 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हैं। हमने मटन में भी और मसाले में भी नमक डाले थे और अब इसमें हमारा जो यखनी बच गया था वो भी हम अब इसमें शामिल कर देंगे। कि हमारे पानी में बॉईल आ चुका है तो अब इसमें हम चावल को डाल देंगे और इसे हम पकने के लिए छोड़ देते हैं, वो भी हाई फ्लेम पे। देखिए हमारा चावल पक चुका है, देखिए बबल्स भी आ गए हैं इसमें। और अब इसे हम जो हमने ब्रिश्ता बाजू में रख दिए थे वो अब इसके ऊपर गार्निशिंग कर देंगे ब्रिश्ता की, क्योंकि इससे टेस्ट और जो हमारे पुलाव का फ्लेवर है जायका है और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब इसमें हम स्लो फ्लेम पे ढक्कन ढक के
रख देते हैं और पकने के लिए छोड़ देते हैं। चलिए अब हम चेक करते हैं कि हमारा पुलाव पक चुका है कि नहीं। देखिए हमारा पुलाव तो मज़े का बन चुका है। देखिए खुशबू भी माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। अगर आप लोग को हमारी ये पुलाव की रेसिपी पसंद आई हो तो हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल बटन ऑन रखिए कि हमारी वीडियो आप तक पहले पहुँचे। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए।